गाइज वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तभी हूँ मैं सूरत में, तभी फैमिली को लेकर चल रहा हूँ गोकुल, एक स्वामी नारायण मंदिर करके है, बहुत अच्छा सुंदर है। और चलते हैं फटाफट, ऑलरेडी हम लोग लेट है और देखते हैं फटाफट, आपको दिखाते हैं कितने खूबसूरत मंदिर है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको दिखाने के लायक। और चलते हैं फटाफट और आपको दिखाते हैं गोकुल का मंदिर। गोकुल मंदिर जा रही है, हल्दी भी जा रही ना, हल्दी कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे ऑटो में अंकल के साथ। हम लोग पहुंच गए हैं गोकुल धाम, क्या कुछ नज़ारा है इनका। तो चलते हैं फटाफट, देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है और आपको भी दिखाते हैं। एंट्री हमने कर ली और एंट्री का नज़ारा ही देख के एकदम दिल खुश हो गया है। गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन, ये है कुछ कलश सब बना हुआ है। तो इधर से भी कुछ नज़ारे हैं, गार्डन भी है और इधर कोई मंदिर है का कुछ नज़ारा इस तरह का। गेट, ये वाला मेन गेट है, वो हमारी रोड है जिसने यहाँ से एंट्री किया। तो काफ़ी सुंदर सा और बड़ा सा मंदिर है, है? और अरलीन किधर जाना है आपको? किधर जाना? उधर जाना है। आ जाओ, आ जाओ, आपको फाउंटेन, छोटे छोटे फाउंटेन बने हुए हैं, आपको दिखाता हूँ। हरलीन इधर आओ बेटा, और धूप बहुत है इसीलिए हमारे चेहरे घूमे पड़े हैं क्योंकि सन ऊपर ही है। और सब फोटोग्राफी यहाँ पर चल रही है और यहाँ सुंदर सुंदर कलाकारी फाउंटेन्स। नींद मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, कैसा मजा आ रहा है, है? कैसा मजा आ रहा है? नींद को बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिन के बाद घूमने निकली है और बहुत मजा आ रहा है। जो कर दो, जो बोलो, हेलो गाइस, हेलो गाइस, चलो अभी दर्शन कराते हैं आपको। आज करो, जय करो। तो अभी फिलहाल मूर्ति के दर्शन करने के बाद और इतने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं कि नज़र तो हट ही नहीं रही है। काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलश का पूरा ये बना के रखा हुआ है, एकदम सुंदर सा। और छोटे छोटे फाउंटेन का तो कुछ कहना ही नहीं। आजा आजा इधर आजा, अरलीन 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 क्या कर रहा है? घूमने आए हैं, घूमने आए हैं, मजा आ रहा है अरलीन, बहुत मजा आ रहा है। चलो अभी ये फुहारे हैं, फुहारे हैं। जय करो बेटा, जय करो, जय। अरे भोलेनाथ जी, नीलकंठ नरसिंह भगवान। हनुमान जी की विशाल मूर्ति दिखाता हूँ जूम करके थोड़ा। सुंदर सी कलाकारी,
बहुत जबरदस्त बनाया है। ये कौन सा भगवान है? स्वामी नारायण भगवान, स्वामी नारायण भगवान। का नज़ारा है कि नज़र हट ही नहीं रही है चारों तरफ से, और छोटे छोटे फाउंटेन ने तो और एकदम व्यू बना रखा है एकदम। आलिन बहुत खुश है एकदम, बहुत दिन के बाद हम लोग घूमने आए सूरत में, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीना हो चुका है, तो फाइनली हम लोग आए गोकुल स्वामी नारायण मंदिर। और इतना खूबसूरत मंदिर है कि मत पूछिए। ये यहाँ के व्यू जो है ना, ये बहुत अट्रैक्शन कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, घनश्याम मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। जय करो बेटा, जय करो, जय करो। आपका लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। ये मैडम अपने घूम रही है, मजे से पूरे मजे कर रही है। रोशन अलग लगा हुआ है। चलो ये वीडियो दिखा रही है, किसको दिखा रही है, किसको दिखा रही है? यह है तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर। जय करो बेटा, जय करो, जय करो। बैठ के माथा टेको, हाथ जोड़ के माथा टेको। यहाँ पर है शेषनानी विष्णु जी। चलते हैं, आपको ये वाले मंदिर के दर्शन कराते हैं। और बहुत सारे बड़ा एकदम भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, सॉरी उनकी मूर्ति बनी हुई है, और काफ़ी सुंदर है। भोलेनाथ जी के आपको दर्शन कराते हैं। और बहुत बहुत हाथी के मतलब मूर्ति बनी हुई है, बड़े बड़े एकदम हाथी है। आ जाना अंदर। बहुत सारा बहुत खूबसूरत एकदम मंदिर बना हुआ है, दिल खुश हो गया। गजब का खूबसूरत है ना, एकदम एक नंबर, नजर हट ही नहीं रही है। फैन देखिए, फैन आचार।
को मिल गया बजाने के लिए, तो अब भक्ति कर रही है। दर्शन करने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, ये नज़ारा ऊपर जाने का, देखते हैं ऊपर क्या किस चीज़ की मूर्ति और किस चीज़ का दर्शन होता है और आपको भी कराते हैं। यहाँ पर टिकट लेने आए हैं तो टिकट का रेट है 70 रुपये, 70 रुपये टिकट है, और बच्चे का तो लिया नहीं, बच्चे का मेरा लिया नहीं टिकट। और यह टिकट काउंटर है, बच्चे का लिया नहीं, 3 साल था इसीलिए शायद 5 साल के बाद लिया जाता है टिकट का दाम, और फिलहाल 70 रुपये टिकट है। म्यूज़ियम है, पार्क है और एवरीथिंग है, जो जो घूमने के लिए वो सब घूमते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और आलिन को देखिए कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रही है, आराम से पियो बेटा आराम से, पापा को भी दो। ये थिएटर, सेतु बांध जो बना रहे थे ना, राम सेतु बांध जब बनाया जाए श्रीलंका के लिए ना, श्रीलंका के लिए रास्ता, ये उस टाइप की प्रकृति की युद्ध की तैयारी चल रही थी। पूरी रामायण पूरी रची हुई है यहाँ पर, पूरी रामायण में क्या क्या हुआ था सारा कुछ यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखो छोटी छोटी फीसें, ये देखो छोटी छोटी सी, ये देखो खाली छोटी सी फीस। जेली फीस धागा बांध रखा है। मजा आ रहा है। यह कुछ नजारा यहाँ का जाने का, अंदर का शिवलिंग। चलो चलो, ये बाहर निकल गया लग रहा है। हल्का, ये पूरा साइंस का टेक्नोलॉजी है, पूरा अलग अलग तरीके से बना रखा है। सपोज मानो यहाँ पर मैं उंगली रखता हूँ, ये ग्लास से पार हो रहा अपना। साइंस, ये भी मैं इधर बटन दबाऊंगा तो ये ग्लास से पार होगा, ये ग्लास का अंदर से पार होगा। करो
कहने का मतलब कॉइन डालिएगा तो ये बीच में दिखेगा नहीं, पीछे ग्लास है और सीधा पैसा आपका नीचे चले जाएगा। दुबा? हर लेन हर बॉक्स के अंदर देखिए, ये है रोड। इधर से आपको सिंह दिख रहा होगा बट इस तरफ से जाएंगे तो इस तरफ से सिंह नहीं दिखेगा आपको, देखो तो सिंह गायब हो गए। मिरल हाउस में चलते हैं, मिरल हाउस में आपका स्वागत है, देखें क्या दिखेगा। आराम से आना, संभल के बता रहा हूँ। इधर रास्ता नहीं है भाई, इधर रास्ता नहीं। भूल भुलैया एकदम, कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा कहाँ जा से कैंटीन मिलती है जहाँ पर आप खा सकते हैं सब चीज़, खाने पीने का सारा अरेंजमेंट है, ये सारा अरेंजमेंट है यहाँ पर खाने पीने का, तो आप यहाँ पर खा पी के इंजॉयमेंट कर सकते हैं, अभी कुछ देखते हैं खा लेते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पर खा रहे हैं डवेली, पता नहीं नाम पूरा अच्छा से पता नहीं चल रहा डवेली है कि क्या डवेली है, बट खाने में अच्छा टेस्ट है और इंजॉय कर रहे हैं हम। फोन मेरे से चल नहीं रहा है, आप बता देना भैया क्या डवेली है, तवेली है। और यहाँ हरलीन भी इंजॉय कर रही है ना, हरलीन स्वाद लग रहा है, टेस्ट है, बता दो कैसे अच्छा लगता है, करके बताओ। मिर्ची खाए, मिर्ची खाने होने के बाद अब चल रहे हैं पार्क की ओर, जो गार्डन है वो गार्डन घुमाते हैं आपको, और हरलीन हमारे साथ जा रही है, पेट भर गया और हम लोग घूमने जा रहे हैं पार्क। कुछ हुआ है नेचुरल पार्क, यह है नेचुरल पार्क की कुछ खासियत, फाउंटेन। पूरा संस्कृति के लिए पूरा बना रखा है, पूरा गार्डन में भी पूरा संस्कृति की दिखा रखी है हर जगह। आ गया एलिफेंट आ जा करके दिखाओ, हाँ इधर मुंह करके, मेरी तरफ मुंह करके दिखाओ, टाइगर ने कैसे किया करके दिखाओ, हाँ फुटबॉल एंड सोमो प्लेयर, ये है कुछ नजारा यहाँ का। करते हैं एंट्री इनके अंदर और देखते हैं क्या है। चलो आली, चलो कुछ नहीं है, आली पापा साथ में है ना, डरने का नहीं। अभी हम लोग साथ में हरलीन को लेके और सारे नज़ारे हम लेंगे यहाँ पर, ये देखिए कैसे कैसे नज़ारे है ना बेटा। चलो 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 चलो, पूरा अंधेरा है, बीच बीच में लाइट मिलेगी आपको, क्या क्या बना हुआ है ये सब सब इधर भी है, पूरा भूता हरलीन मजा आ रहा है। ये देखो यहाँ पर लाइट मिली है तो थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे हैं, बाकी तो सब कहा बने हुए हैं, बुताहा शुरू हुआ और खत्म हो गया। हरलीन ओए हाले, इधर देखो बेटा, निकले थे बाहर तो बच्चा लोग का भी यहाँ खेलने का बहुत सारा ये है, तो अभी फिलहाल लेके आया हूँ बच्चा लोग को, ये बच्चा लोग का पूरा है यहाँ पर खेलने कूदने के लिए, ये बस चलिए। हमने पूरा घूम लिया और पूरा शूट कर लिया आपके लिए, जितना था उतना मैंने दिखा दिया, बट अभी
थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नाइट व्यू आपको दिखाना है, नाइट व्यू, क्योंकि उसी के लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी हल्की फुल्की लाइट जली है और थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको नाइट व्यू, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आगे। टाइम वो आ गया है जो मैं आपको पूरी लाइटिंग दिखा दूँ, बट अभी थोड़ा सा उजाला है, बट एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि हमें दूर भी जाना है, इसलिए तभी फ़िलहाल मैं दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट का नज़ारा कुछ, फिर मेन गेट से नीचे एंट्री कर तो कुछ लाइटिंग का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। ये पूरी लाइटिंग थोड़ा अभी उजाला है तो इस वजह से थोड़ा सा नहीं दिख रहा ढंग से, बट चलिए और भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोग को। खतरनाक नज़ारा देखिए, गुरुकुल धामम परम शांति प्रदायकम स्वागतम स्वागतम स्वागतम। ऐसा भी लगा।